स्टाइल एंड ह्यूमन और सर्दियों का मौसम जैसा कि आपको पता है कि आ गया है और सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन का अच्छे तरीके से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि होता ही है कि अगर आप अच्छे तरीके से स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे स्किन ख़राब भी होने लग जाती है और रूखी भी हो जाती है। इसके साथ साथ क्या हमें खाना चाहिए और क्या हमें स्किन पे लगाना चाहिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपको पता है कि दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हों और बहुत सारे और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हों तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट, जो बेहतरीन गेस्ट, डॉक्टर बिल्कीस से बेहतरीन गेस्ट कोई और हो ही नहीं सकता। तो आज हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर बिल्कीस और जैसा कि आपको पता है कि आज का जो मैंने आउटफिट है वो ज़बरदस्त आउटफिट, इतना कलरफुल था क्योंकि कलर्स आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक्टिव बना देते हैं। तो ये फातिमा फैसल का आउटफिट है और हमारे साथ होंगी राबिया मेकअप आर्टिस्ट जो आज बताएंगी कि आप अपने फेस को साफ कैसे रखें, उसकी क्लेंजिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, बड़ी ही क्यूट सी प्यारी सी होस्ट एंकर है जो अपने बारे में बताएंगी कि वो अपना ख्याल कैसे रखती हैं। सो स्टे विद अस। ऑलराइट जी, गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम इसे गपशप करेंगे। स्पेशली हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में स्किन को कैसे रखना चाहिए और क्या हमें आउटफिट पहनने चाहिए और स्पेशली जब शादियां हों और शादी पे जाना हो तो कैसे अपना ख्याल रखें। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगी फातिमा से। अच्छा फातिमा, ये बताएं कि सर्दियों के मौसम में हमें किस टाइप के आउटफिट पहनने चाहिए और कितने हैवी मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर तो सर्दियों में आपको पता है वेलवेट बहुत ज़्यादा इन होता है और वेलवेट ये है कि आपको कम्फर्टेबल भी फील होता है, आप उसको लाइट वेयर में भी बनाओ ना तो वो एक लुक खुद ही इतना अच्छा देता है आपका कि आप उसको कहीं भी पहन सकते हो, कहीं भी वेयर। अच्छा, जैसे आपने वेलवेट का आउटफिट पहना, ऊपर से आपने जैकेट भी पहनी, बड़े अच्छा लग रहा है ये लुक पूरा। और जिस तरह मैंने ये आउटफिट पहना हुआ है तो ये कि मुझे इसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई हैवी पन्नी फील है और इसमें कि अगर हम शॉल ले लें सर्दी में तो चल जाएगा क्या इस आउटफिट? बहुत अच्छा लगेगा, शॉल के साथ भी इसको कैरी कर सकते हैं आप, वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डिफरेंट एक लुक हो जाएगा और शॉल के साथ इसका एक समझे सर्दियों के हिसाब से जो आउटफिट आप बन जाएगा। अच्छा ठीक है, डॉक्टर बिल्कीस से पूछो क्योंकि डॉक्टर बिल्कीस जो हमेशा आपको बता रही होती है बहुत सारी टिप्स, आज हम थोड़ी कपड़ों की टिप्स इनसे लेते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप खुद कैसे आउटफिट्स पहनना पसंद करती हैं सर्दियों में, स्पेशली जब कहीं शादी वादी पर जाती हैं तो। अच्छा, मैं जो वेलवेट भी पहनती हूँ लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मैं वेलवेट में बहुत मोटी लगती हूँ तो मैं ज़्यादा जो है ना सिल्क यूज़ करती हूँ जिसमें थोड़ा सा मैं फॉल हो और वैसे कपड़े इस्तेमाल करती हूँ जिसमें फॉल हो और थोड़े से जो है ना दुबला लगा जाए। अच्छा, कभी आपने बहुत हैवी मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप हुआ हो और आपने डार्क लिपस्टिक लगाई हो, ऐसा कभी? नहीं, मैंने तो अपनी शादी में नहीं किया था। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे मुझे नहीं अच्छा लगता, खुद को नहीं अच्छा नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे अब तक दूसरों जो किए हुए होते ना वो भी नहीं अच्छा, मुझे नो मेकअप लुक अच्छा अच्छा लगता है जो आप। हाँ, लेकिन आजकल ग्लिटर थोड़ा सा ना, ग्लिटरी लुक वगैरह नो मेकअप लुक ही लगता है जो फेस है ना उस पे शादी भी हुई है और मैं इनसे पूछती हूँ इनकी शादी पे इन्होंने कैसे तैयारी की थी, क्या अपनी स्किन का, अपने कपड़ों का इन्होंने बहुत ज्यादा ख्याल रखा था,
स्किन वगैरह का ख्याल रखा था शादी से पहले? हाँ नाज़िया, स्किन का ख्याल तो डेफिनेटली उस वक्त घर में ही रखना था क्योंकि कोविड था, हम लोग पार्लर्स जा नहीं सकते थे। तो अच्छा, सख्त वाला जो कोविड होता है ना, मई के महीने में हुई हमारी शादी, मई में हुई है, तो मई में बिल्कुल लॉकडाउन था जिसमें आपको किसी भी किसी लोग समझे सब सही हो गया, ओपन हो गया, सब कुछ लोगों ने आराम से शादियाँ अपने आराम से शादी कर दी थी, और उसके बाद अचानक जो है वो इवन पार्लर का अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिल रहा था। तो वो भी हम लोगों ने ज़बरदस्ती कहे कि ना उनको रिक्वेस्ट करके कि जी आप बाहर से शेल्टर बंद करके, उन्होंने फिर अंदर मेकअप करके फिर चोरी चोरी से निकाल दिया। तो घरों पे आके मेकअप कर रहे थे यार, नहीं यार वो यहाँ पे तो हो नहीं रहा था ना, इवेंट हमने हैदराबाद में जाके किया। अच्छा जी, क्योंकि अभी तो हमारा रिसेप्शन रहता है ना। अच्छा, जल्दी जल्दी बस रिसेप्शन रिसेप्शन रहता है इसी वजह से, ताकि ये बिल्कुल ओपन हो जाए। अभी हम लोगों ने तैयारियाँ की ही थी, तो नेक्स्ट कोविड की जो है वो लहर आ रही है अगेन, तो उसके लिए भी थोड़ा सा अब फिर ये ख्याल रखना जरूरी है। अच्छा, लेकिन स्किन केयर का ये है कि स्किन केयर के हवाले से मैं यूज़ करती हूँ सीरम्स, मैंने स्टार्टिंग से ही यूज़ किया क्योंकि मुझे एक्नी प्रॉब्लम होती थी। तो एक्नी के हवाले से जब मैं डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो उन्होंने मुझे सीरम्स जो थे कुछ दे दिए थे, विटामिन सी के वर्क किए थे उन्होंने, काम किया। हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लूटाथियोन का भी था जिससे मेरे स्कार्स जो थे थोड़े बहुत हो रहे थे। ग्लूटाथियोन से तुम्हें हमें रंग साफ होता है या कलर कलर फेयर होता है? नहीं, स्कारिंग के लिए नहीं, कलर के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ग्लूटाथियोन है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन मैं एप्लीकेशन में ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि लगाया जाए। अच्छा सही, तो उन्होंने एप्लीकेशन के लिए, हाँ उसमें ओरल भी टैबलेट्स भी आती हैं, उसमें जो है वो क्रीम भी होता है। तो मैंने जो है क्रीम यूज़ किया था, उसके साथ मैंने विटामिन सी का सीरम यूज़ किया था। अच्छा, तो इट वर्क्ड एक्चुअली। हाँ, उन दोनों ने एक साथ ही जो है ना वो वर्क कर दिया था। अभी तो उनकी स्किन माशाल्लाह से हाँ ग्लोइंग है। नहीं, नहीं, अभी ये मेकअप ना ये हटेगा ना तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। वो मेकअप से तो जाहिर है एक वो चीज़ हो जाती है, लेकिन आपकी फिर भी बहुत ग्लोइंग हो जी। और आजकल जो है ना मैं नाइसिनामाइड यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा ग्लो देता है ना। अभी भी मैं जब आई थी तो सिर्फ मैंने वही अप्लाई किया हुआ था चेहरे पे, तो एक ग्लो आप भी आई थी तो आपने, मैं वही देख रही थी आपकी स्किन ग्लो कर रही थी। तो आज आपने मेरी टेक्निक सारी बता दी, टिप्स क्या क्या बतानी चाहिए ना यार, काम हमारे सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सही बात है, सारी टिप्स उन्होंने दे दी हैं इस वक्त। अच्छा, कपड़ों का कैसे, मतलब भारी कपड़े बनाए थे या नहीं? मेरा जो एक भारी जोड़ा था, और मैंने डिज़ाइनर सूट बनवाए थे सभासद से लिया था मैंने, एक हार सिकली से किया था हमने, तो उन्होंने भी लेट कर दिया था। तो वो सिर्फ हमें फोटोग्राफी में काम आया। जो वलीमे का सूट है वो अभी जो है वो मेरा पड़ा हुआ है, हाँ वो अभी है पेंडिंग में है, वो बड़े अच्छे तरीके से काम बड़े आया आप से आपका। लेकिन नाज़िया सबसे बड़ा जो मसला है ना, पता है क्या है, मैंने वेट गेन कर लिया और अब जो है ना फिटिंग चली है। अब हम ऐसा करते हैं, खुशी के मारे उन्होंने वेट गेन कर लिया डॉक्टर बिकी से पूछे। डॉक्टर बिकी, ऐसा जब सिचुएशन हो जाए तो वेट लॉस कैसे करना चाहिए? वेट लॉस के लिए एक तो हाई प्रोटीन, अगर जिस तरह इनके साथ है और इनको मतलब कुछ दिनों में करना है तो हाई प्रोटीन डाइट पे जाना चाहिए, जिसमें आप सिर्फ गोश्त खाएं और दूसरी चीज़ें बिल्कुल उसमें दाल वगैरह भी शामिल होती है। प्रोटीन में सिर्फ गोश्त अंडे। इतनी जल्दी करते हैं वेट लूज, उनका जो कहते हैं कि ये इतनी जल्दी नहीं, नहीं, मैंने ये कहा है कि जैसे इनका वलीमा है, अब इनके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, मैं साल में दे रही हूँ, तो 15 दिन की आप डाइट अगर करेंगे तो प्रोटीन डाइट से अच्छी कोई डाइट नहीं है जो बहुत जल्दी आपके वेट को कम करने में आपकी मदद करेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात ये बताइएगा, ये तो इसके साथ है ना, भुट्टे के बाल और सफ़ेद जीरा जो लेमन जूस ज़रूर पिए, क्योंकि हमें किडनी का ख्याल रखना है। किडनी का ख्याल रखना है, तो फिर ये चीजें भी, आप सफेद जीरा भी किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेमन जूस भी बहुत अच्छा। आज मैंने ना मैं करेले जिस दिन खाती हूँ ना, उस दिन मैंने करेले का जूस भी पीना होता है। ठीक है, तो आज मैं करेले का जूस पी के आई हूँ, क्या उससे हमारी स्किन में फर्क पड़ता है? मैं तो ऐसे ही पीती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, करेले का जूस बहुत अच्छा है, लेकिन हाइपोग्लाइसेमिक जो होते हैं जिनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, तो फिर उनका तो शुगर और नीचे आ जाएगा। हर चीज की करेला का जूस बहुत अच्छा है, लेकिन देखें आपने कितने करेले का पीना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने सिर्फ आधा करेला लेना है, उसका जूस निकाल के पिए, तो वो भी आपने खाली पेट नहीं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि करेले का जूस बहुत अच्छा, तो मैंने देखा कि पिया, गला ख़राब और बोला नहीं जा रहा है और चकरा रहे हैं, ये नहीं। हर चीज़ एतदाल से, और इंसुलिन लेवल को सही करने के लिए करेले के चिप्स बना के रख लें। वो कैसे थे? करेले को तल लें। अच्छा ठीक है, जैसे मैं ऑयल नहीं खाती हूँ तो फिर क्या करूँ? सौते कर लें। सौते कर लें। हाँ,
इस तरह चिप्स बन जाते हैं, सौते कर लें आपने चिप्स बना लें। हाँ, उस पे भी रख सकते हैं, बेक कर लें। हाँ, बेक कर लो। आप हल्का सा सौते कर लें, कड़क करना है ना आपको, सौते कर लें। 5 से 6 टुकड़े हर खानों के साथ खाएं। वेरी नाइस, इससे अच्छी चीज कोई नहीं। एक और आइडिया आया जी, एयर फ्रायर में उसको आप जो है वो कर लें, वो कड़क से बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल वही बात है, क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाते हैं बिल्कुल। लेकिन एक और इसके साथ जुल्म होता है, इसमें नमक लगा के, जी नमक लगा के पता नहीं क्यों करते हैं इसे, उसका कड़वाहट निकालते हैं, उसकी कड़वाहट ही आपकी दवा है, उसको ना निकालें। ठीक है, अच्छा डॉक्टर प्रकाश से थोड़ी सी एक टिप्स दे दीजिएगा अबाउट स्किन, कि सर्दियों में हम स्किन के लिए क्या क्या करें, क्या क्या खाएं, क्योंकि स्किन के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या क्या खुराक खानी चाहिए हमें। अच्छा देखें, सर्दियों में कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं। हम सर्दियों में क्या करते हैं, हम अपने मतलब कि एक तो ओढ़ना पहनना बहुत ज़्यादा हम इस तरह कर लेते हैं कि जैसे सर्दी से बचाव के लिए हीटर्स का इस्तेमाल हो रहा था। देखिए, हम तो कराची में यहाँ नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न एरिया बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ सर्दी, कश्मीर है, पंजाब के बहुत सारे एरिया में बहुत ज़्यादा तेज़ जो सर्दी पड़ती है, तो क्या करते हैं, नहाना भूल जाते हैं। जो सबसे बड़ी गलती है, सफाई निस्सीमान है। अच्छा, नहाते भी तो तेज़ गर्म पानी से, उससे खुश्की ज़्यादा होती है, आपकी स्किन की का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है। ना आपको तेज़ गर्म पानी से नहाना है, ना ठंडे पानी से नहाना है, लूकवार्म वाटर से नहाना है। सबसे पहले ये याद रखें, एक मिस्टेक जो करते हैं। अच्छा, सर्दियों में अल्लाह की तरफ से ही ग़िज़ाएँ ऐसी आ जाती हैं जिनमें विटामिन ए रिच होती हैं। अगर देखा जाए तो टमाटर भी एक फ्रूट है और सस्ता फ्रूट है और विटामिन ए रिच है, विटामिन ए विटामिन सी। उसका छिलका उतार दें, बीज निकाल दें, वो आपकी दवा बन जाती है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। आप वो ले सकते हैं, पपीता आप ले सकते हैं, ऑरेंजेस आप ले सकते हैं। और अभी तो पूरी दुनिया जा रही है कि हड्डियों का सूप पीती है, वो कहते हैं बोन ब्रॉथ, कि वो आपकी स्किन के लिए अच्छा, बहुत अच्छा होता है। तो आपने वो ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है, और बहुत ये आज से नहीं सदियों से है, और ज्यूइश की स्किन बहुत अच्छी होती है। जब उन पर रिसर्च की गई तो उनके घर में एक चीज़ होती थी कि वो रोज़ाना ये बना के पीते थे, कहवे की तरह पीते थे, होता तो ये हड्डियों का सूप है। और आप यकीन करें, आप अपने बच्चों को दें, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। और उसको उबालने का तरीका बहुत आसान है, काली मिर्च, नमक, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी डालें और उसको ढक कर, जैसे बता के आपने दो हड्डियाँ भी अगर ली हैं तो उसमें आपने तकरीबन 4 ग्लास पानी डालना है, ढक कर हल्की आंच पे पकाएं। जब वो 1 कप रह जाए, 3 घंटे पकाना है। इसकी शर्त ये है, क्योंकि इसका एच ए, इसमें जो चीज़ें हैं जो आपके एज साइन को रोकती हैं, वो जो सूप में रिलीज होंगी वो 3 घंटे में होगी, लेकिन वो हल्की आँच पर होगी। फिर आप उसको, वो यखनी आप रोज़ाना शाम 4 बजे पीजिए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, हड्डियाँ मजबूत होगी, सर्दियों की बीमारी कम होगी, स्किन बहुत अच्छी होगी। डन, थैंक यू सो मच। और अभी हम जाएंगे खेलेंगे गेम, मतलब जाएंगे कहीं यहीं पे बैठे बैठे गेम खेलेंगे, हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट, अब हम खेलने वाले हैं डम स्ट्रेट, और सबसे पहले मैं एक्शन करूंगी और ये सब मेरे गेस्ट पूछेंगे, ठीक है। फूल को यूं करके रखूंगा तैयार हो जाएगा गमला, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड, कुछ तार बांधना, वो धागा बांधना, बलून तो है, लेकिन ये भी तो मैंने कुछ लगाया था ना, ये क्या था, ये तुमने देखा ही नहीं किसी ने। अच्छा जी, अब एक और, कोट पहन रही, ऑफिस जा रही है, टाई टाई मशहूर बात है बिल्कुल, बस ये जो है ना ये वायरल हो जाना चाहिए। तो डम स्ट्रेट में डॉक्टर बिल्कीज आप क्या दिखाने वाली हैं? अच्छा, मैं करके बताती हूं, आप एक्शन करें।
इंडस्ट्री के साथ जो है साइनस हो गया था डस्टिंग मैंने इतना आसान कर दिया कि मुझे पूछ ले पता वैसे समझ नहीं आया लेकिन मैंने छींक मारा था जब मैंने ये जरूर डस्टिंग थी अच्छा जी नेक्स्ट कबर्ड खोली ग्लास निकाला एक कप निकाला खाने लगी अच्छा तो बता क्या है ये तो गड़बड़ हो गई इन्होंने कैबिनेट नहीं खोला था फ्रिज खोला था डॉक्टर बिल्कीज आपके जो जवाब थे वैसे तो फातिमा ने दिए लेकिन उसको इम्प्रोवाइज मैंने किया है बिल्कुल गमले से जो है ना वो बुके बना दिया था अच्छा कि हिंट दे दी थी आगे हम उसे कैच कर लेते अच्छा जी अब नेक्स्ट कौन आप में से राबिया यस ओके क्लींजिंग फेशियल और इसके अलावा गुलाब का था यहाँ से गुलाब का फूल था चले जी ठीक है यहाँ पर तो हमने गेम खेली है लेकिन अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि हम इतना सारा जो मेकअप कर रहे होते हैं या हम डेली रूटीन में बाहर निकलते हैं हमारी स्किन बड़ी डैमेज हो जाती है ख़राब हो जाती है इसकी हम सफाई कैसे करेंगे इसका हम ख्याल कैसे रखेंगे तो ये हमें बताने वाले हैं हमारी दो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट यहाँ पर हैं राबिया जो है वो क्लेंजिंग करने का तरीका बताएंगे और डॉक्टर बिल्कीज बताएंगे कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए सो स्टे विद अस ऑलराइट अब आ गया जो सेगमेंट उसमें हमेशा हम आपको मेकअप दिखाते हैं लेकिन मेकअप तो दिखाते हैं अब ये पता नहीं चलता कि मेकअप रिमूव कैसे किया जाए तो आज हम इस सेगमेंट में आपको दिखाएंगे कि जो मेकअप होता है या जो क्लेंजिंग होती है वो कैसे की जाती है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लड़कियां सिर्फ एक सवाल कर रही होती हैं हमसे जी हमारी स्किन साफ नहीं है दाने हैं इसको हम क्या करें तो उसके लिए बेहतरीन हल जो हम कहते हैं वो है कि आपने अपनी स्किन को साफ रखना है तो डॉक्टर बिल्कीज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट माहिर बस कहते हैं ना कि लोगों के हाथ में जादू होता है इनके जहन में जादू है ये देखती बता देती हैं कि आपको क्या टिप्स हैं क्या आपको यूज़ करना चाहिए अपने लिए क्या यूज़ करती हैं और बहुत सारी और बातें और राबिया हमारे साथ हैं जो एक्सपर्ट हैं जो बता जो आज जो है क्लेंजिंग करेंगी पारीना पर जो उनका मेकअप हुआ है उसे कैसे रिमूव करते वेरी इंपॉर्टेंट अपने मेकअप को रिमूव करना भी तो डॉक्टर बिल्कीज से पहले पूछना जी डॉक्टर बिल्कीज अब ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इस्तेमाल करना चाहिए और मेकअप को रिमूव करें अच्छा देखिए अगर घर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कोकोनट ऑयल अच्छा उससे अच्छा नेचुरल मेकअप रिमूवर कोई भी नहीं अच्छा लोग बेबी ऑयल भी यूज़ कर लेते हैं या जो है ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर लेते हैं लेकिन आप कह रही हैं कि कोकोनट इसके अलावा नहीं यूज़ कोई फर्क होता है क्या कोकोनट ऑयल नंबर वन मेकअप को रिमूव करने में आपके पोर को क्लिंस करने में आपकी मदद करता है अगर ऑलिव ऑयल वगैरह जो है ना देखिए फिर उनका इंटरेक्शन अगर मेकअप से होगा तो फिर वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं दाने निकाल सकते हैं यस सही है और कुछ स्किन पे सरसों का तेल बहुत अच्छा होता really? है हाँ बिल्कुल कहते हैं उस पे कलर होता है तो नहीं बिल्कुल भी नहीं वो जो आपने कलरिंग की हुई थी उसको डिसकलर करने में आपकी अपनी स्किन को बेहतर करने में आपकी मदद करता है वेरी नाइस हाँ तो बहुत अच्छा होता है सरसों का तेल ये दो तेल हैं जो आप घर में कर सकते हैं अब बात करते हैं नेचुरलाइज की और मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जो मेकअप अभी हमने कुछ तो साफ ही करवा लिया कि भाई आप जो ऑन एयर ऐसा ना कि बिल्कुल साफ कर लें अच्छा देखिए इस तरह जो रेगुलर मॉडल्स हैं मेरी बेटियां हैं जो मॉडलिंग करती हैं या किसी भी फील्ड में ज़्यादा मेकअप करती हैं तो उनको डीप क्लिंजर की ज़रूरत होती है
घर का मैंने बता दिया। नेचुरल आइज में तो मैं अगर फेशियल क्लिंजर ही दूंगी ताकि इनकी जो है ना एक एक पोर से जो ये डस्ट पार्टिकल्स मैं कहूँगी कि चले जाते हैं, एंटर हो जाते हैं आपकी स्किन की डीप लेयर पे, फिर जाके वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप नेचुरलाइज का जो है डीप क्लेंजर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले क्लेंजिंग में आपने बताया कि नेचुरलाइज का कौन सा फेशियल क्लेंजर यूज करना है। फेशियल क्लेंजर वैसे क्लेंजिंग मिल्क है जो आम घर में आप मेकअप रिमूव करते हैं। अच्छा, जब हमने वैसे नहीं मेकअप आप स्टार्ट कर दो ऐसा करो राबिया। हाँ, राबिया जो है टिप्स भी बताती जाएंगी साथ साथ। अच्छा, टिप्स बताओ कि कैसे, तरीका क्या होता है बेसिकली। फर्स्ट जो है ना हम नेक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक से करते हुए पहले हमने जो हमारी प्रोडक्ट है हमने उसको अप्लाई करना है, ठीक है। हल्के हाथ से हम प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे और नेक से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इनको। अच्छा, लोग ना बहुत राबिया इतने हैवी तरीके से हाथ को यूज करते हैं, ऐसे लगता है कि स्किन थोड़ी देर लटक जाएगी, तो नहीं, इतने जोर से नहीं करना चाहिए। फेशियल का मेन पर्पस होता है कि स्किन आपकी रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो। और अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर से करेंगे तो आपकी स्किन रिलैक्स नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस चीज का ख्याल रखें कि आपने जब भी क्लेंसिंग करनी है फेस की तो आपने बड़ा उसको सॉफ्टली जो है वो हैंडल करना है। परीना को फील हो रहा होगा कि मेरा हाथ कितना सॉफ्ट चल रहा है, बिल्कुल। और ये है कि आपने ये टिप्स आप देखते हैं जो राबिया आपको दे रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने बताया कि एक है खाली क्लेंजिंग मिल्क, क्लेंजिंग मिल्क को जो क्लेंजिंग फेशियल होता है इनमें फ़र्क क्या है। अच्छा, ये तो बहुत डीप लेयर्स के लिए है, जिस तरह के बहुत हैवी मेकअप आप करते हैं तो आपने ये वाला क्लेंजर जो होता है ना फेशियल क्लेंजर, हफ्ते में मट्टी से आ रहे हैं, हाँ, हफ्ते में एक दफा आप कर सकते हैं। जो क्लेंजिंग मिल्क है वो बहुत लाइट है, वो आप डेली भी क्लेंज कर सकते हैं। ओके ओके, तो इनमें ये फर्क है, ये फर्क है। और ये कि जिस तरह हम लोग रोज मेकअप कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या ये फेशियल क्लेंजर से क्लीन कर सकते हैं या क्लेंजिंग मिल्क। देखिए, एक नो मेकअप लुक होता है तो क्लेंजिंग मिल्क से आराम से साफ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक होता है हैवी ब्राइडल मेकअप, उसके लिए फिर आपको फेशियल क्लेंजर की। हमारा तो रोज ही ब्राइडल मेकअप। अच्छा देखिए, आप इसके साथ में एक बात बताऊंगी कि इस ये क्या करेगा, आप जैसे कर रही है ना तो अगर थोड़ा सा पानी के साथ करेंगे तो फोम बनाता चला जाएगा। अच्छा ठीक है, इन्होंने लगाया है पानी अभी ना। हां, लगाती जाएंगी। हाँ, और थोड़ा सा पानी ना पानी के साथ करती जाएंगी तो क्लींज होती जाएगी। आप और पानी लेंगी या इसी बिल्कुल लेना, लेना है। हाँ। सेकंड स्टेप है। अच्छा, लोग क्या करते हैं समझते हैं कि जब क्लींजिंग करनी होती है तो बस पूरा इतना प्रोडक्ट लगा दो तो उसको पानी नहीं यूज करते साथ। ये बहुत ज्यादा कम प्रोडक्ट कम यूज, ये शेविंग क्रीम की तरह है, कम लो और झाग ज्यादा बनाता है, ज्यादा बनाओ और फिर वो पेनिट्रेट होता है उसमें जो चीजें हैं उसमें, एलोवेरा है, एस्पेरेगस है, वो चीजें जो आपकी स्किन फ्रेंडली। वाओ, दैट इज सो नाइस। इसमें भी यही है क्लेंजिंग मिल्क में भी? जी, क्लेंजिंग मिल्क में भी तकरीबन ऑलमोस्ट यही चीजें हैं जो आपकी स्किन को साफ करती है। ओके, अभी जो है हमने परीना का जो है वो मेकअप क्लीन किया है और ये फेशियल क्लेंजर से क्लीन हो गया है। लेकिन घर पे जो ख़वातीन हैं जो खुद से लाइट मेकअप करती हैं या खुद से वैसे भी डेली रूटीन में, क्लेंजिंग मिल्क से ज़रूर साफ करें, इसके बाद टोनर लगा लें। जी बिल्कुल। और ये जो अभी हमने परीना का किया है ये नॉर्मल जो है आप घर पे जब भी आप मेकअप करें आप इस तरह से क्लेंजिंग कर सकते हैं और आप टोनिंग कर लें और लास्ट में आप रोज़ वाटर का स्प्रे कर लें तो आपकी स्किन बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाएगी और आपका मेकअप वगैरह भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और मेकअप के बगैर ज्यादा अच्छी लग रही है। जी, ये मेरे से बहुत क्यूट लगती है, हमेशा ये कहते हैं मेकअप तुम कम लगाया करो। अच्छा, इसके बाद आपने जो है रोज वाटर लगाना है। रोज वाटर लास्ट में, बहुत अच्छा। और आप वैसे मेकअप से पहले भी रोज वाटर का स्प्रे करके थोड़ी देर आप उसको छोड़ दें। नाज़िर, मतलब कि अगर आपकी स्किन बहुत क्लियर है, क्लींज हो गई है तो आपका जो रोज वाटर जब आप डालेंगे ना तो वो खुद ड्रॉप होके नीचे आ जाएगा। हाँ, अभी मैंने कम इस्तेमाल किया लेकिन रोज वाटर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा। रोज वाटर भी टोनर ना, हमें अच्छा लग रहा था ऐसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। मेरी खुद की आदत है बहुत ज्यादा ना, एंड में तभी तो आपकी स्किन अच्छी रहती है। माशाल्लाह से आपकी स्किन बहुत अच्छी है ना, दोनों ने ये बात बोली। अच्छा, आप खुद क्या क्या इस्तेमाल करती हैं अपने लिए तो बताएं। मैं जो है कुछ चीजें हैं जो मैं यूज करती हूँ। सबसे पहले मैं जो अपने स्किन पे यूज करती हूँ वो है स्किन सर्जन सीबक थॉर्न ऑयल। ये क्या है सीबक? हमें तो कभी नहीं बताया आपने, ऐसे छुपा छुपा के चीजें रखती हैं आप। ये क्या, आप देख रही हैं उनकी स्किन जो ग्लो कर रही है। ये है सीबक थॉर्न ऑयल। तो ये थोड़ा सा लगाएं ना, परीना पर लगा कर दिखाएं। अच्छा, मैं बिल्कुल लगा के दिखाती हूँ। ये पता है क्या, ये इसमें ये रिच है विटामिन सी, विटामिन ए,
बस वैसे परीना को जरूरत नहीं, नहीं, नहीं वैसे आप लगा हाँ। ना, हम चाह रहे हैं जरा लोगों को बताएं कि कैसे लगता कैसे है। मैं अपनी स्किन पे लगा के दिखा दूं? चले ठीक है आप ये देखें, ये मैंने सिर्फ दो ड्रॉप्स लिए हैं, इसमें मैं विटामिन ई मिलाना चाहूँ तो मिला सकती हूँ, मगर मैं इसको नेचुरल तरीके से यूज़ करती हूँ। अब आप देखें इसका कलर जो है येलो आ रहा है, येलो आ रहा है क्यों? अब क्योंकि इसका नेचुरल कलर, इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, इसको नेचुरोपैथी में भी और वैसे भी इसको कहते हैं स्किन सर्जन, मतलब कि देखें सर्जन कब बनता है, जब वो बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करता है। तो ये जो है इसमें इतनी खूबियाँ हैं कि इसका नाम ही स्किन सर्जन ऑयल का दिया गया। स्कूल गया था ये बस ये नेचुरल स्कूल गया था, डॉक्टर बिल्किस के स्कूल गया था, उसके बाद पढ़ लिख कर ये सबसे ज्यादा जो है ना काबिल बन गया, बहुत काबिल है। इसमें इतनी चीजें हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग अगर इसको मतलब ये एंटी कैंसर भी है, मैदे का तकालीफ पी सकते हैं क्या? जी पी सकते, मतलब यू करके इसे पिए भी, और आपने 5 ड्रॉप्स है ना दूध में डाल के पीना है, तो ये एंटी एजिंग है। Really? आपके एज साइन को रोकने में आपकी मदद करती है। तो फिर ये जो है ना आप अपने किसी भी क्रीम में मिला के, जैसे आजकल सर्दियां आ गई हैं, तो फिर मैं इसको एंटी एजिंग क्रीम में मिलाकर इस्तेमाल करती हूँ। ये हमारी एंटी एजिंग क्रीम है, मैं थोड़ा सा लेकर, क्योंकि मैं खुद यूज करती हूँ तो मैं अपना हाथ डाल सकती हूँ, अदरवाइज ये करना धोकर, हाथ धोकर और ड्राई हो। अच्छा आपने ये भी बहुत कम लेना, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ दोनों का, इधर लगाऊंगी इधर नहीं लगाऊंगी। लगा के सो सकते हैं एंटी एजिंग, बिल्कुल बिल्कुल आप इसको फुल बॉडी पे लगा सकते हैं। अच्छा फुल बॉडी पे लगा सकते हैं, मैं सिर्फ एक हाथ पे लगा के आपको सिर्फ दिखाऊंगी कि दोनों का फर्क दिखाऊंगी, सही है? ओह वाओ डिफरेंस बाकी, ओह माय गॉड ये कितना साफ हो गया है। अच्छा साफ के अलावा हुआ क्या है, इसमें रिंकल्स जो है वो आपको नहीं नजर आ रहे हैं। आप इस पे देखिए, तो किसी भी मेकअप से पहले भी लगा, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। आप ये देखिए इसका और इसका फर्क, ये हाइड्रेटेड है, इसमें लग रहा है कि जैसे अभी हाथ धो कर यूज करके उसके ऊपर आप बेस भी अप्लाई कर सकते, बिल्कुल कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो है सर्दियां हैं और सर्दियों में शादियां हो रही होती है, हर लड़की जो है वो मेकअप करना चाहती है, तो उससे पहले आप ये चीज़ ज़रूर लगा लें। एक तो एंटी एजिंग के अलावा हम खाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, यंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा आप अगर आप यंग हैं जैसे पारीना है, तो जो ऑयल इसको सूट करता है वही उसके उसमें भी ऐड कर आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर आप मेकअप करो तो ग्लोई लुक आएगा, जैसे आपने कहा कोकोनट ऑयल, बिल्कुल अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट करता है तो आप मेकअप से 2 घंटे पहले लगाएंगे ताकि वो बिल्कुल बिल्कुल जो है आपकी स्किन एब्जॉर्ब हो जाए, और जो एक्सेसिव है वो आप उसको पोंछ लीजिए, उसके बाद आप मेकअप करेंगे तो बड़ा ग्लोई लुक आएगा और आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो खिंची खिंची सर्दियों में रहती है वो नहीं रहेगी, ठीक है? अच्छा स्मूथ हो जाएगी। क्विकली बता देंगे आप और क्या क्या यूज करते हैं, ये काजल है ये क्या है, ये डार्क आई रोलर, ये तो आई रोल ऑन है। अच्छा तो क्विकली इसका रिजल्ट बता दे क्या होता है। बिल्कुल आई रोल ऑन है ये, देखिए आपकी हाथ की स्किन अलग होती है, चेहरे की है तो गुलाब, लेकिन हर चीज़ अलग अलग है। यह नेचुरलाइज का रोल ऑन है, तो ये मेकअप से पहले असल में हाथ थोड़े से चिकने हो गए, ठीक है? राबिया ये काम करेंगी जी, सर अंजाम दे दें। तो इसको कैसे लगाते हैं? ये रोल ऑन है, आपने इस तरह करके आंखों के, अभी चले मैं अभी हालांकि मेकअप है लेकिन लगा कर बता देते। इसमें कुछ कोई प्रोडक्ट है जी? इसमें HA है, इसमें आपकी आई को आई डार्क सर्कल्स को ख़त्म करता है, पफिनेस को ख़त्म करता है, आई के इर्द गिर्द जो आपके एरिया है क्रू फीट्स बनते हैं उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स पे जाने की मेकअप से पहले आप रोल ऑन करें कि आपके रिंकल्स भी नहीं पड़ेंगे। हाँ रोल ऑन कर लें। उसके अलावा मैं जो यूज़ करती हूँ हमारा ही नेचुरलाइज का HA है, हाइड्रोलिक एसिड का है, ये जो है सीरम, ओके तो ये सीरम है, ये यूज करती हूँ बिफोर मेकअप। ओह दिस सीम्स टू बी सो नाइस। इसको मैं इधर यूज करके बता देती हूँ क्योंकि इधर मैंने किया था, ये देखें, बस उसके बाद आप मेकअप कर लें। दैट्स इट, जबरदस्त हो गया ये। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप भी आपका भी शुक्रिया। इसके साथ ही अब आप देखेंगे सारे आउटफिट्स की जबरदस्ती वॉक, और आज फातिमा फैसल के आउटफिट्स हैं और आपने तो जरूर देखना है। मैं इजाजत दूंगी लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, सो स्टे विद अस।